क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द यूनियन। मैं फर्स्ट का ए पार्ट कर दे रहा हूं, बी आप लोग ट्राई करो। एक्स में हमारे पास 1, 2, 3, 1, 3, 5, वाई में मेरे पास 1, 2, 3, जैसा मैंने समझाया था। अब इसका मैं यूनियन निकालना, तो एक्स यूनियन वाई 1, 2, 3, 5। 3 दो बार लिखा है, लेकिन सेट का रूल क्या है कि एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा। तो फर्स्ट का ए पार्ट हो गया। बी पार्ट डू इट योरसेल्फ, अपने आप से ट्राई करो, ज्यादा टफ नहीं है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, कौन सा करवा दूं, फोर्थ पार्ट करवाता हूं मैं इसका, ठीक है। सी भी खुद कर लेना, अगर कोई डाउट कुछ प्रॉब्लम आती तो यू कैन आस्क मी। सी क्या कह रहा हमारा, सॉरी डी, एक्स इज ए नेचुरल नंबर 1, 2, 6, यानी ए हमारा एक सेट है जिसमें 2, 3, 4, 5, मैं 6 को लू या नहीं लू, तुम 6 में देखोगे तो इक्वल टू का साइन है, यानी कि मुझे 6 को लेना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में 6 के नीचे एक इक्वल टू का साइन है ना, ऐसे लिखा है ना एक्स, यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, मैंने नहीं लिया। यहां पे इक्वल टू का साइन है, मुझे लेना पड़ेगा। और दूसरा एक्स क्या हमारा, यहां पे इक्वल टू का साइन यानी हमें नहीं लेना पड़ेगा, इसे बड़ा लेना पड़ेगा। टेन के आगे भी इक्वल टू का साइन यानी हमें टेन नहीं लेना पड़ेगा। अब ए यूनियन बी क्या बन गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, दैट इज योर यूनियन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकेंड क्वेश्चन में ना एक और नई चीज सीखने के लिए हमारे पास, ए में है ए बी और बी में हमारे पास ए बी एंड सी, और ये क्या कह रहा है, क्या ए बी का सबसेट है, चेक कर लेते हैं। ए और ए के जितने एलिमेंट है बी में है ना, तो यस ये है, ठीक है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा हमारा बी, हमेशा लिखना, क्यों बताऊं क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा, सारे एलिमेंट जो ए और बी में है, ए और बी में सारे मिलाओगे तो क्या बनेगा, ए बी सी, और ए बी सी क्या है हमारा बी ही तो है सेट, ए बी सी क्या हमारा बी ही तो है। तो हमें एक नई चीज सीखने के लिए क्या मिली, अगर ए बी का सबसेट है तो डैम श्योर ए यूनियन बी हमेशा बी ही आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए ही आएगा। कैसे, इंटरसेक्शन निकालो इनका, ए बी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा ना, और ए बी क्या है हमारा, यही तो सेट है। यानी शॉर्ट, अगर इफ ए बी का सबसेट है तो इनका यूनियन निकालोगे तो हमेशा बी बनेगा, और ए बी का सबसेट है और इनका इंटरसेक्शन निकालोगे तो हमेशा ए बनेगा। यानी यूनियन निकालते समय लाल ज्वाला जो है सेट उसे वहां से रखो, और इंटरसेक्शन निकालते समय जो हमारा स्मॉल वाला है वो होगा। ए बी में स्मॉल कौन सा है, ए आ गया। ए बी में लार्ज कौन सा है, बी, बी आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ता हूं, क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड भी यही है, देन व्हाट इज द ए यूनियन, ये कर लोगे इससे रिलेटेड था जो अभी मैंने समझाया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन फोर्थ देखो, क्वेश्चन फोर्थ में आपके पास दो दो यूनियन के भी यूज है। ए क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए सेट में मेरे पास क्या है 1, 2, 3 एंड 4, बी सेट में मेरे पास क्या है 3, 4, 5, 6, सी सेट में क्या है मेरे पास 5, 6, 7, 8, और डी सेट में क्या है 7, 8, 9, 10।
इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझा दिया था, एक आध क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे मैं इसका ए पार्ट कर रहा हूं, बाकी आप खुद ट्राई करो। ए यूनियन बी, अगर नहीं आता तो आप कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या, यूनियन करना, यूनियन यानी सबको एक साथ करो, यानी सारे एलिमेंट लिखो, सिंपल ये सारे हो जाएंगे। थोड़ा ट्रिकी जो लग रहा है वो लग रहा है हमें फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट यानी कि ई, ए यूनियन बी यूनियन सी। मैंने आपको यूनियन की डेफिनेशन क्या बताई, कि सबको एक साथ करो, तो यानी ए बी सी तीनों के एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ये हमारा ई पार्ट था, बाकी पार्ट भी ट्राई करो। अगर नहीं हो पाता तो मुझे बताना, फिर कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन फाइव इसका जस्ट एलिमेंट सेम है, क्वेश्चन फाइव में इसी के अपोजिट है। कहा गया है फाइंड द इंटरसेक्शन ईच पेयर ऑफ सेट इन सेट ऑफ क्वेश्चन वन एंड अबव, ठीक है। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ क्वेश्चन सेट वन, क्वेश्चन वन जो है उसके इंटरसेक्शन लेने। क्वेश्चन वन में हमारे पास था एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स में हमारे पास क्या था, 1 3 5, वाई में हमारे पास क्या था, 1 2 3, ठीक है। अब हमें एक्स वाई का इंटरसेक्शन लेना है, इजी है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, 1 and 3, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है। ट्राई कर लेना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, इंटरसेक्शन आपको मैंने बता रखा है, मैं एक आध पार्ट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाइन्थ, पहले मैं ए लिख लेता हूं, ए में क्या मेरे पास, इसका मैं ए पार्ट करके दिखा देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट आई टोल्ड यू, इंटरसेक्शन में आपको कॉमन लेना है, तो ए और बी में कॉमन क्या है, 7 9 11, 7 9 11, दैट्स योर आंसर। अब इसके जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इसका सिक्स्थ पार्ट करके दिखाता हूं। व्हाट आर दे सेइंग, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बी यूनियन सी निकालो, पहले ये तो चेक कर लो कि बी यूनियन सी में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 7 9 11 13 15, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकाला हमें, ए के साथ, 3 5 7 9 11, यानी द आंसर विल बी, आप ये देखो इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन देखना, कॉमन क्या है, ए में और बी यूनियन सी में, 7 9 11, 7 9 11, ध्यान से देखो, 7 9 11, ये तीन एलिमेंट है ना दोनों के पास, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन यानी कि दोनों, ठीक है। अब मैं इसका नाइन्थ पार्ट करके दिखाता हूं, ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन, यानी पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, ए बी के इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट आ जाएगा, ओनली एंड ओनली ए एंड बी में 11 आ रहा है, बी और सी के यूनियन में क्या आ जाएगा, बी और सी के यूनियन में आ जाएगा जो हमने ऊपर लिखा ना, 7 9 11 13 15, ठीक है। अब इनके बीच का इंटरसेक्शन निकालो, तो इनके बीच में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ ये 11 आ रहा है, सो योर आंसर इज 11, ठीक है। आई होप बाकी पार्ट आप लोग कर लोगे, अगर नहीं आता तो आप मेरे को क्वेश्चन में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
ओके लेवल प्लस। अब हम क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं। सेवन पे भी यही है जो हम अब मैं आपको समझा चुका हूँ, सब कुछ सेवन में वही है, बस इसमें इंटरसेक्शन निकालना है। पर हाँ, मैं एक बार सेट में आपकी हेल्प कर देता हूँ। आई नो अब आप लोग काफी कुछ समझ में आ गया, कई बच्चे सेट बना सकते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे जिनको ये सेट समझ नहीं आएगा आया, तो फिर मैं उनकी हेल्प कर दो। व्हाट आई मीन सेट कि ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा फॉर क्वेश्चन सेवन। ए में क्या आना है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन। बी में क्या आएगा? इवन नंबर, इवन नंबर यानी 2 4 6 6 2 सो ऑन। सी में क्या आएगा? ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 यू ऑल नो दैट ऑड नंबर। एंड डी में आएगा हमारा प्राइम नंबर 2 3 5 7 प्राइम नंबर। नाउ एक पार्ट में कर देते हैं उसका, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन क्या है? ध्यान से देखोगे 2 कॉमन है 4 कॉमन है 6 कॉमन, यानी सारे इवन नंबर कॉमन है हमारे, है ना। 2 इसके पास भी आ रहा है क्योंकि तो काउंटिंग, इसमें 2 आएगा 2 4, तो ए बी का इंटरसेक्शन क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर लिख लो या फिर इसको बी ही लिख लो, ठीक है। ए सी में क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं, सी में सारे ओड नंबर हैं, ए में ओड भी हैं इवन भी हैं। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था ये इसका सबसेट है कि नहीं, सी इसका सबसेट है। सी के जितने भी एलिमेंट है ए में है ना ऑलरेडी, 1 3 5 7 9। तो मैंने क्या कहा था, अगर सबसेट है और इंटरसेक्शन निकाला जाएगा तो छोटे वाला ही आंसर होगा। छोटा क्या है? 1 3 5 ना, सो सी विल बी आंसर। यहां पे भी ए बी में बी इज द सबसेट ऑफ ए, ए के पास बी से ज्यादा चीजें हैं, कम चीजें किसके पास है? बी के पास। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो मैंने कहा था ना, इंटरसेक्शन जब भी निकालेंगे अगर ये सबसेट है तो स्मॉल वाला ही होता है, बी छोटा है बी आ गया। सी में देखो ए और डी, ए के पास सारी काउंटिंग है 1 to infinite तक और डी के पास सिर्फ प्राइम नंबर है, तो छोटा कौन सा हुआ? छोटा कौन सा हुआ? डी ना। सो योर आंसर विल बी डी। बी और सी में क्या है कॉमन है? यहां पे कोई किसी का सबसेट नहीं है बी और सी। बी सी में सी शिट, सी मैंने गलत लिख दिया, सी 1 3 5 था, 1 3 5 सी को मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। सी में ओड नंबर है, ओड नंबर, और बी में है इवन नंबर, तो डैम श्योर इवन और ओड में कुछ भी कॉमन नहीं होता। आंसर इज 5, ठीक है। होप सो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो या कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में। 8 में क्या है? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। जैसे ए में है मेरे पास 1 2 3 और बी में है मेरे पास 5 6 7, तो क्या इनमें कुछ भी कॉमन है? नहीं है ना। तो यस इट इज डिसजॉइंट, ठीक है, डिसजॉइंट, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन, जब कॉमन नहीं है तो हम उसको डिसजॉइंट कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन 8th में है हमारे पास, एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4, एक सेट है हमारे पास जिसमें 4 से लेके 6 तक हो, 4 5 6 एक्स वैल्यू, तो कुछ कॉमन है इसमें? यस 4 इज द कॉमन, सो आंसर विल बी नो, क्योंकि कॉमन आ गया। इसे रहा डिसजॉइंट कौन सा होगा, तो ये तो डिसजॉइंट नहीं होगा। ए पार्ट था इसका, बी में एक सेट हमारे पास सारे वोवल्स ए आई ओ यू, और एक सेट हमारे पास सी डी ई एफ, अगेन हमें ई बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा कॉमन है, सो आंसर विल बी नो, इट इज ऑल्सो नॉट अ डिसजॉइंट बिकॉज इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड हो गया ओड नंबर और इवन नंबर,
एंड वी ऑल नो दैट ओड और इवन में कुछ भी कॉमन नहीं था एंड यस इट इज अ डिसजॉइंट. ठीक है, समझ में आ गया. अब हम चलते हैं, उतार लो. अब हम चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ. क्वेश्चन 9 में जो भी चीजें हैं वो वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका वेन डायग्राम के साथ, फिर भी मैं इसके एक आध पार्ट उठा लेता हूं. फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं ए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड बी 3, बहुत स्मार्टली इन्होंने सारी टेबल ही लिख दी 2, 3, 4, 5. अभी कह रहा है फर्स्ट पार्ट हमारा ए माइनस बी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो ए बी में कॉमन क्या है, 12 है. ओके और कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो मैंने क्या समझाया था पहले कॉमन हटा दो ए में से, ए और बी में जो कॉमन है 12 हटा दिया तो हमारा क्या बच गया 3, 6, 9, 15, 9, 15, 18, 21. मैंने क्या कहा 8, 12 गायब हो गया. क्यों? क्योंकि इनके बीच में कॉमन आ रहा था और कॉमन हटाने के बाद जो आगे वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे. देखो मैंने ए का लिखा, अब मैं आपको करवा के दिखाता हूं बी माइनस ए. ये इसका डी पार्ट है बी माइनस ए. बी माइनस ए में अगेन 12 कॉमन है पर इस बार किसके एलिमेंट लिखे जाएंगे जो आगे है. आगे क्या है बी, तो 4, 8, 12, 16, 20 और 12 को हम हटा देंगे. मैं क्यों हटा देंगे बिकॉज कॉमन आ गया. इसी तरीके से मैं एक पार्ट कर देखा तो आपको इसका बी बी पार्ट करता हूं. बी कह रहा है ए माइनस सी. पकड़ो बी और बी सी में कॉमन. ए और सी में क्या कॉमन है अगेन ध्यान रखना आगे ए लिखा है तो बचे हुए एलिमेंट्स ए के लिखे जाएंगे. जो आगे लिखा होता है बचे हुए एलिमेंट्स उसी के लिखे जाते हैं. ए और सी, ए और सी में क्या कॉमन है 6, 12 नथिंग एल्स. 6 और 12 कॉमन है तो इनको हटाओ और ए के लिखो 3, 9, 15, 18 एंड 21. ठीक है, ये इसका बी पार्ट था. रेस्ट पार्ट डू इट योर सेल्फ. क्वेश्चन 10 भी ये ऐसा ही है. आई होप क्वेश्चन 10 ऊपर के सारे क्वेश्चन का ही एक कॉम्बिनेशन है. हमने ये क्वेश्चन 9 कर लिया, नाउ क्वेश्चन 10 भी आपका डू इट, क्योंकि क्वेश्चन 10 में इन दोनों के ही पार्ट मिला के दे रखे हैं. अब क्वेश्चन हम 11 की तरफ चलते हैं. ये हमारा क्वेश्चन 9 था. क्वेश्चन 11, एक सेट हमारे पास R है और एक सेट हमारा Q. R हमारा रियल नंबर है. रियल नंबर में क्या क्या आते हैं, रैशनल एंड इरैशनल. और Q में क्या आता है हमारा, सिर्फ और सिर्फ Q ही है ना. हाँ Q है रैशनल नंबर. अब आपको R माइनस Q करना है. आई थिंक यू ऑल नो द आंसर. कॉमन हटाओ, कॉमन क्या है रैशनल है ना दोनों के पास, तो क्या बच गया इरैशनल नंबर. रियल नंबर में दोनों आ गए रैशनल और इरैशनल दोनों आ गए. इसने हमें एक दूसरा सेट दे दिया रैशनल. अब इनका हमें ये निकालना है. तो इन दोनों में कॉमन क्या था रैशनल था. जैसे इन क्वेश्चन में क्या था जो कॉमन उसको हटा दो बाकी जो है वो लिखो. क्वेश्चन 12, डिसजॉइंट वाले सेट ये आपको करना चाहिए. जैसे ए में अगर देखोगे आप तो 3 कॉमन आ रहा है तो ए का आंसर हो गया नो, क्योंकि डिसजॉइंट नहीं है इसमें 3 कॉमन आ रहा है. क्वेश्चन देखो आप लोग, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं. एक सेट है 2, 2, 3, 4, 5 और एक सेट है 3, 6. कॉमन दिख रहा है आपको कुछ, ये दिख रहा है ना नो. अगर कुछ भी कॉमन आ गया तो योर आंसर विल बी नो. ठीक है, अब मैं इसका एक फोर्थ पार्ट करवाता हूं डी पार्ट 2, 6, 10 और 3, 7, 11.
मुझे तो इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा, तो यस इट इज अ डिजॉइंट सेट। तो 11th क्लास ये थी हमारी 1.4 एक्सरसाइज जिसके मैंने क्वेश्चंस करवाए। हो सकता है मैंने कुछ क्वेश्चंस थोड़े जल्दी करवाए हो या नहीं समझ में आए हो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस के पार्ट मैंने छोड़े हैं, वो इसलिए छोड़े ताकि आप लोग भी ट्राई करो, अपने एंड से एफर्ट डालो। आपको हर एक चीज देख के सीख के ही करनी चाहिए। ये मैंने आपकी सीखने के लिए डाली। अगर कोई क्वेश्चन में फिर भी डाउट आता है, कुछ क्वेरीज आती है, तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो आई होप 1.4 हमने कंप्लीट कर ली, समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, ये सारी चीजें, यूनिवर्सल यूनियन, इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है 11th क्लास, थैंक्स।